हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग साइट्स। आपसे आज बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है कोविड 19 के बारे में। जितने भी वायरसेस आज तक आए हैं, ये सबसे एडवांस वायरस है। पूरी दुनिया को इसने हिला रखा है, हम सभी जानते हैं। कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आज पंछी और जानवर आज़ाद हो गए हैं और हम लोग कैद हो गए हैं। इसी को तो भगवान कुदरत का एक करिश्मा कहते हैं दोस्तों। ये वायरसेस काफ़ी टाइम से आते हैं, नए नए वायरस हर साल जनरेट होते हैं। 2019 में स्टार्ट हुआ कोरोना वायरस, उससे पहले इबोला आया, स्वाइन फ्लू आया, बर्ड फ्लू आया। लेकिन आपने कभी ये देखा है ये कहाँ से आया? जानवरों से और पंछियों से तो आते हैं सारे के सारे। इंसान इन्हें मारना बंद नहीं करेगा, इन्हें खाना बंद नहीं करेगा, तब ये ह्यूमन में ट्रांसमिटेड हो जाते हैं। तो मेरी बस इतनी सी बातें हैं कि जब वो चाहता है ना भगवान, तो वो करके दिखाता है। जब सारी साइंस, सारी टेक्नोलॉजी सब फेल हो जाती है, आज हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो भी हमारी सेफ्टी के लिए। पूरी पुलिस, नर्स, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स सब कुछ लगा हुआ है इस कोविड 19 की वजह से। अभी तक आज 6 अप्रैल 2020 है और 12 लाख लोग कम से कम इन्फेक्टेड हो चुके हैं और 12 लाख में से 70 से 80 हज़ार लोग मर चुके हैं। 2 लाख के आसपास ठीक भी हो चुके हैं। अभी तक इसका कोई वैक्सीन नहीं बन पाया है। जैसे इबोला का कोई ट्रीटमेंट नहीं था, वैसे अभी तक इसका भी नहीं है। सारे रिसर्चर, सारे डॉक्टर्स लगे पड़े हैं, लेकिन ये एक ऐसा रोग है जो ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है। पहले एनिमल टू ह्यूमन था, अब एनिमल्स की जगह ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है। और ये जब इन्फेक्शन फैल रहा है तो ये 10 से 12 दिन ले रहा है पता लगाने में। खांसी, जुकाम, आपके गले में खराश, उसके बाद आपके दर्द होता है गले के अंदर। ये इन्फेक्शन सीधा हमारे हार्ट के अंदर जाता है। तो सारी दुनिया परेशान हो चुकी है और इससे बचने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, कोई दवाई नहीं है अभी तक। और दवाई क्या है इसकी? सोशल डिस्टेंसिंग। और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सही समय पे सही डिसीजन लेकर पूरे भारत को लॉकडाउन कर दिया, जिससे हम बच गए। नहीं तो जितने डेवलप कंट्रीज थी, जो अपने आप को कहते थे हम शक्तिशाली हैं, हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, बहुत एडवांस हैं, आज उन सब की धज्जियाँ उड़ चुकी है। वुहान सिटी चाइना से स्टार्ट हुआ ये वायरस, कैसे 200 कंट्रीज़ के अंदर फैला? क्योंकि इनको हल्के में लिया गया। और जिस चीज़ को जिसने हल्के में लिया, इसका मतलब ये है वो बिल्कुल ख़त्म। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काफ़ी सारे लोगों ने अपनी अपनी वीडियोस बनाकर भेजी है। जापान से भी आई है, जर्मनी से भी आई है, स्पेन से भी आई है, वुहान सिटी से भी इंडियंस ने वीडियो भेजी है कि इसको हल्के में मत लीजिए। तो प्लीज़ अपने घर में रहिए, सेफ रहिए। आप मॉर्निंग में अगर निकलते हैं तो प्लीज़ मास्क और सैनिटाइज़र ज़रूर लेकर जाइए, क्योंकि आपकी सेफ्टी आपकी फ़ैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट है। जितना आपके लिए नहीं हो सकता, लेकिन आपकी फ़ैमिली के लिए आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इसे जब ये फैलना होता है तो पूरी फैमिली को, पूरे लोगों को, दोस्तों को, पूरे एरिया को इन्फेक्टेड कर देता है। और कुदरत के साथ जिस जिसने खिलवाड़ किया है, जब जब उसने भोगा है। आज आसमान साफ हो गया है, नदियाँ साफ हो गई हैं। हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर जानवर रोडों पर टहल रहे हैं, हिरण। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आप सोच रहे हैं कि मैं कहाँ पर हूँ इस समय, मैं एक ऐसी लोकेशन पर हूँ जहाँ मैं सांस लेने आया हूँ, क्योंकि घर में रह रहकर बस वाट लग गई थी। खुश भी नहीं हूँ ना ज़्यादा दुखी हूँ, क्योंकि अपनी फैमिली के साथ रामायण और महाभारत देख रहा हूँ, जिससे स्पिरिचुअलिटी दिमाग में आ रही है, लोगों के प्रति और अच्छाई आ रही है। जानवरों को खिला रहे हैं हम लोग, क्योंकि बेचारे उनको पूछने वाला कोई नहीं। अपने आसपास में अगर आप किसी भी जीव को देखते हो, उसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करिए। रोटी खिलाइए, सब्जी खिलाइए, जो भी वेस्ट हो जाती है, क्योंकि जानवर सब कुछ खा लेता है। कुदरत ने ऐसी चीज़ें उनके लिए बनाई है, जो हमारे लिए वेस्ट होती है वो उनके लिए खाने योग्य होती है। और सबसे बड़ी बात यही है, इंसानियत दिखाने की बात आ गई है। आज इंसानियत ने जन्म लिया है। हर एक जीव, जीव मतलब इंसान ही नहीं, वो जानवर, वो पंछी, उनके लिए दाना डालिए छत पर, ठीक है। अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। और इस समय देश का प्रधानमंत्री जब कह रहा है
कि आप अपने घर के अंदर सेफ रहिए। नुकसान वुकसान जीडीपी वगैरह, इसके बारे में जो लोग व्हाट्सअप वगैरह पे या सोशल मीडिया पे बातें कर रहे हैं, इन सब से दूर रहिए। कुछ फ़ायदा नहीं है, हमेशा नेगेटिव बातें करेंगे। कोई हिंदू की बात कर रहा है, कोई मुसलमान की बातें कर रहे हैं, जो कर रहा है उसे करने दीजिए। उनके लिए गवर्नमेंट है, उनके लिए पुलिस बैठी हुई है, ठीक है, और इनको अपना काम करना आता है। वो किसी को छोटा बड़ा नहीं, छोटा और बड़ा समझकर ट्रीट नहीं कर रहे हैं। जो जैसा काम कर रहा है उसको वैसा ही पनिश किया जा रहा है। और कोऑपरेट कीजिए, अपने आप को प्लीज़ लोगों से दूर रखिए, और जो अगर आपको अपना मानता होगा वो आपकी बातों को मानेगा। कोई मिलना चाहता है, भाई आपसे मैं फ़ोन पे बात कर सकता हूँ, मैं नहीं मिल सकता हूँ, और अगर मिलना है तो एक टाइम बताइए, मैं आपसे बाहर आके मिलूँगा, लेकिन प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे हम लोग। तो दोस्तों, आपके आसपास में जितनी भी चीज़ें आपसे हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ है, कोई गरीब है तो खाना खिलाइए। अगर उसके पास खाने के लिए आटा नहीं है, दाल नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि उसकी मदद कीजिए। अगर आप प्राइम मिनिस्टर फंड में पैसे नहीं डाल सकते तो ये दूसरा तरीका है जो आप लोगों को जागृत कर रहे हैं सेवा करने के लिए। सेवा दिमाग में पैदा कीजिए। माँ बाप की सेवा नहीं भी करिए तो इनकी सेवा करने से माँ बाप की सेवा बराबर हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। मेरा इस समय सिर्फ यही एक मोटो है कि मैं लोगों को जागृत करूं और अपने अंदर जो चीज़ें छुपी हुई हैं लोगों तक लेकर आऊं, क्योंकि सोशल मीडिया ही है जिसके थ्रू हम लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ इन वायरसेस की चिंता मत कीजिए, ये कुदरत का नमूना है। कुदरत के साथ जिसने खेला है, जब कुदरत खेलने पर आती तो सारे के सारे साइंस, सारी की सारी टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है। इसके साथ कोई मजाक करता है ना, तो जब ये मजाक कर दिया तो फिर पता लग जाता है। इतना अच्छा मौसम आपको पहले कभी नहीं मिला होगा। ओजोन परत 90% ठीक हो चुकी है, अभी आज सुबह ही हमने सुना था, और मैं गूगल पे बैठकर यही काम कर रहा था। आपके पास कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, मूवी देखिए, वेब सीरीज़ देखिए, टाइम पास कर सकते हैं। और बच्चे हैं घर में तो बच्चों को पढ़ाइए। अरे टाइम पास करने का और भी बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। कोई कहता है कि मैं बोर हो रहा हूँ, अरे बोर इसलिए हो रहा है कि वो टाइम नहीं दे रहा है। सो जाओ यार, आपको इतना रेस्ट दे दिया है। तो दोस्तों, बी सेफ, सेफ एट होम। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।